गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो टाइम मैं बोलूँ तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज बच्चों की छुट्टी है और इधर मैं सुबह सुबह सबसे पहले आ गई हूँ सारे कमरे का चादर चेंज करने के लिए, क्योंकि आज मुझे मशीन लगाना है ना, इसीलिए सभी कमरों का मैं चादर बदलूँगी, सभी बेड पर का। तो इस आ गई हूँ बेडरूम में, बेड का भी चादर बदल दूँगी। और सो के उठ के सबसे पहला यही काम कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी, फिर दवाई खाई हूँ और फिर उसके बाद फिर इसी काम में लग गई हूँ। सभी लोग सो के उठ गए हैं मेरे घर में, और ऐसे सुबह सुबह का काम मेरा शुरू हो चुका है। इस कमरे में बेटी सोती है और उनकी दादी सोती हैं। बेडरूम में है तो बेडरूम, लेकिन उनकी दादी सोती हैं और बेटी मेरी सोती है। वो जब नहीं रहती हैं हमारे साथ तब हम सोते हैं इसमें। और ऐसे ही सुबह सुबह का काम निकलता है, कुछ न कुछ रहता ही है कम। और देखिए अभी मैं इस कमरे का भी चादर बदल दूंगी। और बाबू सो के उठ के ना, अभी चल रहा है बच्चों का एग्ज़ाम, तो वही बुक खोल के अपना पढ़ लिख रहा था सो के उठ के। इसके पापा बोले कि अपना तैयारी करो, क्योंकि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम भी तो देने जाना है, तैयारी करोगे तभी तो वही पढ़ रहा था सो के उठ के। और इधर मैं आज बना रही हूँ छोले, चावल और रोटी। तो चावल तो बन चुका है और मैं बना रही हूँ छोले, तो मैंने सोचा बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो देखिए मैंने डाला सरसों का तेल, हींग और जीरा। जीरा को फूटने देंगे, फिर उसके बाद मैं काट के रखी हूँ प्याज और हरा मिर्च, खूब सारा प्याज और हरा मिर्च डाल रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कम ज़्यादा। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना प्याज, उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और सबसे बाद में मैं डालूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। सब मसालों को भून करके फिर डाल दूँगी छोले। थोड़ा सा पानी डाल करके मैं भूनती हूँ इसको। अब इसे मैं एकदम अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि इसमें से तेल ना छोड़ दे तब तक भूनना है। आप लोग एक बार मेरे तरीके से भी बना के देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और छोले में मैं बोलूँ तो मैंने डाला था बेकिंग पाउडर और 6-7 सीटी मीडियम आंच पे लगा लिया, क्योंकि छोले जब तक गलता नहीं है ना तब तक अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। एकदम अच्छे से गल जाता है ना तभी वो टेस्टी बनता है। तो मैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ज़रूर से डालती हूँ इसमें। और इधर देखिए मैं एक साइड में चाय चढ़ा दी हूँ, चाय बन रहा है तो मैं और सासू माँ पियेंगे, बाकी बच्चे लोग के लिए दूध गर्म कर रखी हूँ तो अभी थोड़ी देर में उन लोग को दूंगी, क्योंकि अभी ब्रश व्रश नहीं किए, वो लोग ब्रश कर लेंगे तभी उन लोग को दूध भी दे दूंगी, पी लेंगे। और इधर के साइड मैं आ गई हूँ, अब खाना बना रही हूँ अपना, क्योंकि आज ना हस्बैंड को कहीं मीटिंग में जाना है, तो वही जल्दी जल्दी का अपना काम निपटा रही हूँ कि उनको जाना है तो जल्दी से निकलना था, तो खाना वाना खा के जाएंगे, इसलिए अपना बना रही हूँ कि झाड़ू पोछा बाद में होगा, पहले खाना बना लेती हूँ। जो ज़रूरी काम लगता है मुझे वही जल्दी करती हूँ, क्योंकि अब उनको निकलना है तो झाड़ू पोछा तो बाद में भी हो जाएगा। फिर अब लगा लूँगी 5-6 सीटी, छोले बन के तैयार हो जाएगा। और इधर मैं चाय गर्म कर रही हूँ, मैं तो पी ली हूँ, और इनके दादी के लिए दे रही हूँ। और एक साइड में मैंने चूल्हा चढ़ाया है ना, उसमें पूरी तलूंगी। हस्बैंड के लिए 2 रोटी बनाई थी, वो रोटी खाते हैं पूरी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए 2 रोटी बना चुकी हूँ। देखिए वो प्लेट में रखा हुआ है, तो उनको रोटी दे दूंगी, बाकी सभी लोगों के लिए बना रही हूँ पूरी। मुझे भी पूरी अच्छा लगता है, मैं भी खाती हूँ, और बेटी और इनकी दादी और बच्चे वो बाबू सभी लोग पूरी खाएंगे। और हस्बैंड के लिए मैंने 2 रोटी बस बना लिया है, वो बोले कि नहीं मुझे पूरी नहीं खाना है, मुझे मेरे लिए रोटी बनाओ, तो मैं रोटी उनके लिए बना दी। बाकी किसी को रोटी नहीं पसंद है छोले के साथ, और ये। और मैं इधर पूरी बेल के फटाफट से तल के दे रही हूँ, कि बच्चे लोग अब नहा धो लिए हैं, बस मेरा नहाना बाकी है, सभी लोग नहा चुके हैं,
तो वही मैं पूरी तल के दे दूंगी इन लोग को, खाने पीने खाएंगे पियेंगे अपना, फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा काम करूंगी। और इसमें देखिए छोले बना लिए, तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज हम लोग डाल के खाते हैं, सबका अपना अपना पसंद है। हम लोग बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे खाने में। तो वही मैं दे रही हूँ, बच्चे लोग का खाना निकाल रही हूँ, और सलाद में काटी हूँ सिर्फ खीरा, तो वही खीरा भी दे दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को। ये देखिए बहुत तेज, पता नहीं क्यों छींटा आया मेरे हाथ पे। तो ये देखिए खा पी के अपना तैयार होके उनको निकलना है, इसलिए जल्दी जल्दी वो अपना कर रहे हैं तैयारी जाने की। मैं सभी कमरे में पोछा लगा लूंगी, फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, और जो लोग नए हैं फ्रेंड वो लोग सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। झाड़ू पोछा हो गया, देखिए अभी मैं आ गई हूँ चावल साफ़ करने के लिए। तो ये सामने वाली भाभी है मेरी पड़ोसी, तो उन्हीं का बच्चा है, तो चावल देख के आ गया है वो खेलने के लिए, इसी में देखिए शरारत कर रहा है। और इधर मैं चलनी में छान रही हूँ ना, तो वो बहुत सारे चावल निकल रहे हैं, इसलिए अभी मैं सूप से साफ़ करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है ना, तो नहीं साफ़ करो तो फिर कैसे खाएंगे, इसलिए इसको एकदम अच्छे से साफ़ करती हूँ। एक गांव का चावल है ना, गांव से आता है, तो वो थोड़ा गंदा ही रहता है, अगर रेडीमेड ले लो ख़रीदा हुआ तो वो नहीं निकलता है उसमें कुछ, सिर्फ देखना होता है एक बार कि देखो कोई कंकड़ वकड़ ना हो। लेकिन इसको तो बहुत मेहनत से साफ़ करना पड़ता है, फिर इसको थाली में लेके मैं पूरा बीनती हूँ, ऐसे ही है।
ये है कि घर से आ जाता है तो खाने के लिए अपना साफ़ करके, चावल ख़त्म होने वाला है तो इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ कि साफ़ करके बिन उनके रख दूँगी, सिर्फ बनाना रहेगा। फिर उधर देखिए साइड में थोड़ा सा दिख रहा है ना मेरा बेटा, वो बैठ के पढ़ रहा है, उसको बोली हूँ कि अपना बैठ के रिवीजन करो क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना इसलिए। और मैंने चावल साफ़ कर लिया तो अब मैं आ गई हूँ मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा आज है तो दो बार में कपड़ा धोऊंगी, एक बार में चादर वगैरह धो लूँगी, एक बार में डेली यूज वाले जो कपड़े हमने छोड़ रखे हैं इधर धुलने के लिए वो सब धोऊंगी, क्योंकि एक बार में ना पूरे मशीन में भर दूंगी तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं कपड़ा धोती हूँ कि कम से कम साफ़ तो हो जाएगा। दो तीन बार में धोती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा ही धोती हूँ कि अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा भर दो ना तो वो साफ़ नहीं होता है खूब अच्छे से। और इधर देखें मैं पानी भर रही हूँ, पानी भरने के बाद फिर मशीन लगा दूँगी, अपना चलता रहेगा, फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी अपना कोई। अभी मेरा नहाना बाकी है फ्रेंड, क्योंकि अभी मशीन लगाई हूँ ना तो कपड़े धो लूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो कपड़े को मैंने ड्रायर कर लिया है, अब ड्रायर करने के बाद इसको फैला दूँगी, अपना सूखेगा, देखिए कितनी तेज़ वाली धूप है तो जल्दी से अपना सूख भी जाएगा एकदम अच्छे से। सारे कपड़े को मैं फैला लूँगी फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। देखिए अभी मैं नहा धो ली हूँ ना, अब फ्री हो गई हूँ, खाना वाना भी खा ली हूँ, सारा काम करके मैं फुर्सत हो गई। तो अब बाबू को मैं पढ़ाने के लिए बैठाई हूँ कि चलो इसका एग्ज़ाम चल रहा है, बेटी तो अपने से पढ़ लेती है लेकिन इसको अभी नहीं समझ में आता है तो इसको पढ़ाना पड़ता है। और बेटी को वैसे भी इसके पापा पढ़ाते हैं, इसको मैं पढ़ाती हूँ और इसके पापा भी पढ़ा देते हैं बाबू को भी, लेकिन मैं ज़्यादातर पढ़ाती हूँ तो वही मैं दोपहर में फ्री हो जाती हूँ ना, तो ये डेली का मेरा काम है। और जिस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उस दिन नहीं पढ़ा पाती हूँ, या स्कूल चला जाता है तो नहीं पढ़ा पाती हूँ, आने के पास हो जाता है। वैसे तो अभी कई दिन से एग्ज़ाम चल रहे हैं ना तो मैं तैयारी इसका करवाती हूँ रिविज़न। तो बोला कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत पढ़ चुका, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है अपना बुक बंद करके रख दो, अब मैं दूसरा अपना काम कर लेती हूँ। तो कपड़े सूख गए हैं, कपड़ों में तह लगा लेती हूँ, फिर तो अपना खेल रहा है, मैं अभी कपड़ों में अपना तह लगा लूँगी। ये साड़ी रखा हुआ था बहुत दिन से धोने के लिए, एक दिन का मैं पहनी हूँ तो धो के उसको भी तह लगा के रख दूँगी और बाकी के कपड़े भी तह लगा रही हूँ मैं। दोपहर में यही 3 बजे के लगभग सारा काम ऐसे ही करती हूँ, कभी सो लेती हूँ कभी नहीं सोती हूँ, टाइम के ऊपर है कि अगर फुर्सत रहती हूँ तो सो जाती हूँ या कुछ काम रहता है तो फिर नहीं सोती हूँ। इधर देखें बेटी फ़ोन चार्ज लगा रही है अपने दादी का, देखिए इतने सारे कपड़े धोई हूँ अभी, बहुत सारा कपड़ा जो मोटा वाला कपड़ा है सारा बालकनी में ही पड़ा हुआ है, ले जाके अब रख दूँगी सारे कपड़ों को अलमारी में, जिसका जहाँ रखते हैं वहाँ वहाँ रख दूँगी। और मैं शाम के टाइम अभी झाड़ू लगा रही हूँ, 4 बजे का टाइम हो रहा है तो मैं सारे कमरों में झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि मैं 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ। तो फ्रेंड एक किसी और दिन का वीडियो है, इसी में मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। देखिए बच्चों का मैं जैसे बताया कि एग्ज़ाम चल रहा है ना तो वही दोनों को लेके बैठ के पढ़ाना पड़ता है दोपहर में, तो ये दोपहर का टाइम है, वही दोनों नहा धो, जब मैं नहा वहा लेती हूँ ना खाना खा लेती हूँ, ये लोग तो पहले ही नहा धो लेते हैं, फिर उसके बाद ना दोनों को बैठा के इसे पढ़ाती हूँ डेली, इसी तरह से मेरा दोपहर का टाइम निकलता है। और ये देखिए बेटी भी कुछ कुछ बोल रही है ना तो उसको मारी हूँ एक थप्पड़ अभी, और ये देखिए बेटा का भी खूब शरारत करता है, इसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज़बरदस्ती ये पढ़ता है। देखिए देखिए पढ़ा रही हूँ, इधर देखिए कूदने लगा,
कि हरकत अजीबोगरीब होती है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। देखिए मैं बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, किधर भाग रहा है, बस इसका खेलने में मन लगता है। और मैं वही इसका रिवीजन करवा रही हूँ, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसीलिए सच बोलो तो बच्चों से ज़्यादा माँ की परीक्षा होती है, माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही है, सभी माँ लोग के साथ ऐसा होगा। जो लोग जिसके बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि कितना टेंशन आ जाता है जब एग्ज़ाम शुरू होता है। तो वही मेरा मानना है कि बच्चों से ज़्यादा तो माँ का एग्ज़ाम दो।